सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। अगर आप कुछ इस तरीके से अपने फोन पे ये लाइव वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैं ऐसे स्वैप करूंगा, आप देख सकते हैं जैसे मैं अपने फोन को सेक करूंगा, ऑटोमेटिक सारे वॉलपेपर लाइव वॉलपेपर चेंज होते रहेंगे। अनलिमिटेड वॉलपेपर हैं जो आपके फोन को बिल्कुल स्क्रीन को बिल्कुल खूबसूरत बनाते हैं। आप खुद देख सकते हैं जैसे मैं सेक करूंगा, ऑटोमेटिक ये 3D वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरीके का वॉलपेपर अपने फोन पे ऐड करना, जो कि आपके फोन की ज्यादा बैटरी भी नहीं लेता है, सिंपल सा लाइव वॉलपेपर है, और जैसे भी आप अपने फोन को सेक करेंगे, कोई एप्लीकेशन पे जाएंगे और उसके बाद बैक आएंगे, तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक आपका वॉलपेपर चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से 3D में। तो अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरीके का वॉलपेपर अपने फोन पे यूज करना, तो इस एप्लीकेशन को आप ट्राई कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। इसका नाम है क्रोमा फ्लोट लाइव वॉलपेपर। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, सिर्फ आपको अपने फोन पे इसे एक्टिवेट कर लेना है। जैसे आप सेट वॉलपेपर पे एक्टिवेट कर लेंगे और ये आपके फोन के स्क्रीन पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो और इसके बाद से आप देख सकते हैं जब भी आप अपने फोन को सेक करेंगे, हल्का कोई भी एप्लीकेशन पे जाएंगे और बैक आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपका वॉलपेपर ये चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं काफी कमाल का दिख रहा है। मैं तो इसी वॉलपेपर को यूज करता हूँ यार, मुझे काफी ऑसम लगता है, काफी कमाल का लुक है हो जाता है फोन का, पूरी तरीके से लुक चेंज हो जाता है और हर सेकंड में नए नए वॉलपेपर भी आते रहते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अगर आप चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।